फिल्म अच्छी है सच बोलूँ तो आपको पूरी फिल्म के एंड तक आप ये सोचते रहेंगे कि क्या हो रहा है, फिर फाइनली गाना आ जाता है हाँ मैं गलत सो दैट कि जब भी मैट लव आजकल वन हाईवे इतनी खूबसूरत फिल्म्स देने के बाद जब कोई ऐसा कुछ करता है तो बहुत बुरा लगता है, तो मैं बस वही बोलूँगी। कार्तिक वॉज हिमसेल्फ, उन्होंने काफ़ी कहा था कि उन्होंने मेथड एक्टिंग ट्राई की है इस फिल्म में बट वो तो दिखी नहीं, एंड सारा जिन्होंने अपनी डेब्यू इतनी बढ़िया की थी और उनकी सेकेंड फिल्म सिम्बा में भी काफ़ी अच्छा काम किया, तो ये फिल्म में पता नहीं उनको क्या हो गया, यहाँ पे तो उनको और ज़्यादा अच्छे से उनका रोल बयां करना चाहिए था बिकॉज ये फिल्म पूरी उनके ऊपर डिपेंड करी थी। बट नो वैलेंटाइंस कपल इफ दे गो फॉर दिस मूवी दिल ब्रेकअप, सो दे शुड अवॉइड। यू कैन वॉच द मूवी इफ यू आर कार्तिक एंड सारा फैन, बट अदरवाइज देयर इज नो सेंस इन वॉचिंग दिस मूवी। दो स्टार्स सिर्फ कार्तिक और सारा के लिए बस बात। अरे भाई थोड़ा लाइट चलेगा चलेगा। फिल्म सभी क्या बोले, फिल्म सही नहीं थी नहीं थी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं शुरुआत से लेके एंड तक आप कहीं भी फिल्म से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। फिल्म में समझ लो पूरी फिल्म में ऐसा लगता है कि एक हाथ सीन में दो तीन शॉट अच्छे लगे हो आपको, इतनी मीन्स आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते फिल्म से। नहीं ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी बेहतरीन फिल्मों में से एक एक सीन उठाया है और वो यहाँ पे आके दूसरे एक्टर से परफॉर्म करके वो असेंबल करके फिल्म बनाई है। और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज अगर फिल्म अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो फिल्म भी आप देख सकते थे, पर परफॉर्मेंस भी बिल्कुल भी जो लीडिंग कपल था वो बिल्कुल भी मीन्स पूरे फिल्म में ओवर एक्टिंग करते, शुरुआत से लेके एंड तक ओवर एक्टिंग है। वो फिल्म इतनी आपको दर्शक के तौर पर इरीटेट करना लगती है तो आप कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं, तो वो जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो भी अच्छे नहीं लगते हैं। फिर दो स्टार नहीं बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी मूवी है, कारण का भी अपनी जगह में कृत्य करें और सारा का एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसकी काम में जो डेप्थ है ना उसे सीखना चाहिए लोगों, जो बाकी गर्ल्स हैं आने वाली बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी रहेगी, न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छी लगे ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लगे, मैं 4 दूंगा। हाँ बहुत ही अच्छी मूवी है, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया एंड मैं दूसरे को भी बोलूँगा कि आप लोग भी जाकर इन्जॉय करो। बहुत ही परफेक्ट मूवी रहेगी, मैं तो अभी सिंगल हूँ दूसरे का नहीं पता, लेकिन बहुत इन्जॉयबल मूवी है सीरियसली, बहुत ही अच्छी जोड़ी है उनकी एंड आई थिंक मुझे दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी एंड डिफरेंट कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किया है, कार्तिक आर्यन ने डबल रोल पे किया है एंड रणदीप हुड्डा इज द बेस्ट आई थिंक। हाँ ये आप थोड़ा बोल सकते हो कि एक छोटी स्टोरी को खींचा गया है, लेकिन इन्जॉय कर सकते हो आप मूवी को देखकर, ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा बोर फील करोगे। कार्तिक 3.5 है ना। फिल्म अच्छी है और दोनों कास्ट स्पेशली जो था कि ये दोनों है कार्तिक एंड सारा, वो दोनों अच्छे दिख रहे हैं साथ में, केमिस्ट्री भी अच्छी दिख रही है, गाने भी अच्छे हैं, स्टोरी हर एक इंसान की स्टोरी जिसका दिल टूटा हुआ उस सबकी स्टोरी मैच करती कहीं ना कहीं आपके दिल को छुएगी, तो इमोशंस है ड्रामा है, थोड़ी सी स्लो है कहीं ना कहीं, बट इट्स रियली नाइस मूवी, इम्तियाज़ अली साहब का डायरेक्शन है तो एंड निशात कामिल साहब की लिरिक्स है तो ऑलवेज अमेजिंग द कॉम्बिनेशन। थोड़ी सी लेंदी है, ज़्यादा नहीं है, इतनी नहीं है जितना समझ सकते हैं, थोड़ा तो स्टोरी और वो सब भी दिखाना पड़े, इमोशंस दिखाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ी लेंदी और स्लो है, वो तो बनता है। वैलेंटाइंस डे के लिए एकदम परफेक्ट है, ये अच्छा कमाएगी वैलेंटाइंस डे के दिन। ऑन स्क्रीन सारा और कार्तिक बहुत अमेजिंग दिख रहे हैं, 5 में से 3.5 वेलकम। फिल्म में स्टोरी में काफ़ी ट्विस्ट है
सारा अली इज़ टू गुड, द गा इज़ गुड, ही एक्टेड वेरी वेल, उन दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी है, बट कई स्टोरी में मुझे कुछ बहुत सारी ट्विस्ट लगी, तो ये मॉसिस के लिए तो नहीं है, दैट्स इट. And it's on. घुमा फिर यस, कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है ट्विस्ट लग रही है. या उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है एंड बोथ ऑफ देम आर अमेजिंग इन एक्टिंग. या लोग देखेंगे दे विल एंटरटेन 100%. सी एज ए ऑडियंस आई विल गिव यू 5 out of 3, एज ए क्रिटिक आई विल गिव यू 5 out of 2.5. थैंक यू. यूथ जो है आजकल के यूथ जिस तरह से कन्फ्यूज्ड हम देखते हैं, फिल्म पूरी तरीके से उसको प्रेजेंट करती है. मतलब काम करते हैं, यूथ इंटेलिजेंट है, लेकिन उसको दिशा मालूम नहीं है मुझे कहाँ जाना है, मतलब फड़क से बदल जाता है. वो इतना सटीक तरीके से दिखाया है दोनों किरदारों का, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों ने इतना बढ़िया उनको निभाया है कि पता लगता है कि ये भविष्य के स्टार हैं. वैलेंटाइन्स डे के लिए परफेक्ट फिल्म है या आपके? डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी, क्योंकि फिल्म में रोमांस भी है, कन्फ्यूजन भी है, और मतलब यूथ को लेके सारी कुछ चीज़ें जो उसके दिमाग पे रहती हैं. सारा और कार्तिक ऑन स्क्रीन कैसे लगे? मैं कह रहा हूँ ना, सारा, खैर कार्तिक तो बता ही चुका है, सारा भी वो बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंट है. 5 में से कितना स्टार देना चाहिए? 4 दे देंगे. ओके, सो लव आजकल देख के आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में? मूवी में जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन दिखाना होता है और जो आजकल हम यूथ जो झेल रहे होते हैं रिलेशनशिप में, होती है बहुत सारी चीज़ें होती है, यू नो सम टाइम इट्स लाइक कि करियर का एक्सपेक्टेशन, हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, करियर वाइज हमको सोचना होता है, देन कहीं ना कहीं हमारा पीर प्रेशर होता है, पेरेंट्स का एक अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, वो सब एक्सपीरियंसेस जिस तरीके से दिखाने थे, साइकोलॉजिकली जो दिमाग में चलता, बहुत अच्छे से दिखाया इम्तियाज़ अली ने. मुझे फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत अच्छा लगा, सेकंड हाफ आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड, मुझे था कि सेकंड हाफ थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, बहुत जल्दी रश कर दी, बहुत जल्दी ख़त्म कर दी पिक्चर. बोर नहीं करती, इज जस्ट दैट कि सी फर्स्ट हाफ फिल्म का मैं मानता हूँ थोड़ा लंबा था, बट इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर, इफ यू आर रिलेटिंग विद द कैरेक्टर, यू विल गो विद दैट फ्लो. तो आई वॉज रिलेटिंग विद द कैरेक्टर, सो आई वॉज इन द फ्लो, तो इसलिए मुझे फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लगा. सेकेंड हाफ मुझे इसके लिए मुझे कट शॉट लगा, क्योंकि बहुत जल्दी ख़त्म कर दी, लास्ट के 15-20 मिनट तो ऐसे निकल गई पिक्चर. कार्तिक एंड सारा दे लुक क्यूट, अच्छे लगे दोनों. कार्तिक की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो वो भी अच्छे थे, लेकिन जो कार्तिक ने कल का जो परफॉर्मेंस दिया था बहुत अच्छा था. रणदीप हुडा एज अ सरप्राइज पैकेज, एंड सेम इज द अनन्या शर्मा, आई होप आई एम सेइंग द राइट नेम, जो कार्तिक के साथ कल में थी, बहुत अच्छी एक्टिंग की उन्होंने, बहुत स्वीट लगी, बहुत कम उनके डायलॉग्स कम थे, लेकिन वो अपनी आँखों से, अपनी वो क्या बोलते हैं खामोशी से, और अपनी वो जो एक शराफत जो एक दूसरे बहुत ही सहमी सी एंड ऑल, उसमें भी वो अच्छे से आ पा रही थी, सो इट वॉज लाइक वेरी गुड. या क्योंकि सम देर आर पोर्शंस जो कपल्स को ज़रूर अच्छे लगेंगे, एंड दे विल रिलेट टू ईच अदर. 3.5 स्टार. आना है तो पूरी तरह आना. क्या जोड़ी है, क्या जोड़ी है, भाभी जी, भाभी जी, भाभी को बोलो, भाभी जी को बोलो, भाभी जी को बोलो, कार्तिक आना है तो पूरी तरह आना. सारा जी आप हिट हो, ये नीचे देखो, ये बोला नीचे, ये महाराणी पीछे लेना,
अरे नहीं मिल रहा भाई, हाथ दे यार, पीछे ना कैमरा यार, कार्तिक भाई प्लीज थोड़ा पीछे जाना सर, प्लीज कार्तिक भाई साइड प्लीज संजय आ गया ना तेरा भी निकला संजय, मैम राइट में मीरा जी, मीरा जी, मीरा जी रुक जाइए, मीरा जी ऑन योर राइट, हाँ मीरा जी सामने देखिए आप, मीरा जी यहाँ पर देखा नहीं, मीरा जी मीरा जी, मीरा जी सामने, थैंक यू भाई, थोड़ा सा पीछे भाई, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, संदीप सर यहाँ पे लास्ट में धरन जी, एक से पीछे जाइए ना, बस बस बस, धरन जी एक स्टेप पीछे आइए, क्या करें दादा, धरन जी सामने राइट लेफ्ट में, लेफ्ट धरन मैम मोबाइल नीचे लेना, धरन जी सामने, धरन जी मैम यहाँ पर देखिए ना, धरन जी, धरन जी, धरन जी लास्ट कॉर्नर, मैडम जी लेफ्ट, धरन जी थैंक यू, थोड़ा पीछे हो जाओ, बस 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 यहां पे देखिए राजा सामने, डायना जी मैम रुकिए, रुकिए लुकिया कैमरा, डायना जी मैम राइट साइड में नहीं देखा, अरे मैडम को पिक्चर चालू हो गया है, डायना जी राइट साइड में नहीं देखा आपने, डायना जी आओ, डायना जी आओ, डायना जी आपके लिए रुके सब सुपर, थैंक यू, वीडियो साइड प्लीज, अरुषि जी यहां देखा नहीं, अरुषि जी देखा नहीं, सामने जी मैम, अरुषि जी इधर इधर, अरुषि जी, अरुषि जी, अरुषि जी, अरुषि जी राइट साइड, मैम इधर, मैम राइट में देखा आपने, यहां पर, यहां पर मैम थोड़ा टर्न हो जाइए, अरुषि जी सामने देखिए आप, रांची में हम सर सर लेफ्ट में देखिए, थैंक यू साइड अरे थोड़ा क्लियर करो ना यार, तुम्हें यहाँ
यामी जी लेफ्ट में ये पीछे के मार रहे हैं औरत औरत वो आ रहा है यामी जी या यामी जी अरे सामने यामी जी एक बार देख रहा है यामी जी यामी जी रुक थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर प्लीज पेट के बाद नंबर पेट करो गाड़ी की लाइट बंद करो गाड़ी की लाइट बंद करो हम लोग के लेफ्ट रकुल मैम मैम ये लेफ्ट आगे आगे चले जा रहे हैं रकुल जी इच्छा हो रही है लेफ्ट यार मैम लास्ट कॉर्नर ये ऐसे यहां पर नहीं देखा रकुल जी या 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 रकुल जी लास्ट कॉर्नर रकुल जी यहां पे मैं यहां पर हूं राहुल जी लास्ट कॉर्नर देखा ही नहीं आपने वायरल का कैमरा इधर है राहुल कैमरा राहुल जी लास्ट कॉर्नर मैम एक बार देखिए ना यहां पे होल्ड कीजिए राहुल जी लास्ट कॉर्नर में देखिए नीचे ओके ओके थैंक यू वेट 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 स्टार्ट नहीं होता ओ भी थोड़ा उधर हो जा रहा है क्यों रहा यार पूजा है हां यहां पे देखिए पूजा जी अरे पूजा जी यहाँ पे देखिए पूजा जी मैम आपने यहाँ पर देखा ही नहीं अरे उसे गाड़ी पूजा जा रहा है पूजा जी यहाँ पे मैम यहाँ पर देखिए पूजा जी रुकिए पूजा जी यहाँ पे पूजा जी लुकिया लुकिया इधर लेफ ओ कार्तिक वन फोर उर्वशी जी इधर आए बस बस रुकते रुकते ये मोबाइल भी नीचे आना थोड़ा उर्वशी जी राइट साइड मैं यहाँ पर थैंक यू थैंक यू यहां से उर्वशी जी वहां से साहब थोड़ा पुढे आहे ना अजून 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 पुढे आहे ना दोन स्टेप पुढे आहे ना साहेब हा बस 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 हा समोर समोर दीक्षिताजी समोर नको नको मला पण सेकंड सेकंड आता समोर बघा समोर समोर थैंक यू थैंक यू थैंक यू ये मार 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 फोटो मार पार्टी मार मैम लुक सेंटर मैम लुक सेंटर थैंक यू मैम ये बड़ा फोटो है रुको सर आप मम्मी मम्मी रुकिए सब 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 लेफ्ट ऑल ऑफ यू लुक ऑल ऑफ यू या या नाउ लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट थैंक यू थैंक यू साइड का प्लीज साइड का साइड प्लीज आजकल बस मैम 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 थोड़ा ये साइड आइए ना राइट में जी थोड़ा कृति जी यहां पे देखिए कृति जी नाइस लुक कृति मैम सेंटर सेंटर कृति मैम यहां सेंटर कृति जी यहां पे वो काम कम कर रहे हैं मैम सेंटर कृति जी यहां पे यहां पे कृति जी मैम यहां पर देखिए ना मैम रुको नहीं मिला मिला ही नहीं मिला ही नहीं है नहीं मिला है ओके चलो चलो क्लिक चाचा चलो सर सर पे देखिए सर सेंटर सेंटर में सर लेफ्ट में देखिए सर सेंटर सेंटर सर जी कैमरा पीछे कर फ्लैश कर सर थैंक यू सर सेंटर मैं सर 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 दिल्ली में खुल गया सर सर थैंक यू साथ में बस बस रुकिए सामने देखिए रमेश जी सामने सर यहाँ पर सर रमेश सर थैंक यू सर सर रुकिए सर सर रुकिए सर थैंक यू सर सर इसको साइड सर
इसको मैं बोल रहा हूँ क्या साइड में लेके जा रहा है रोहित आवाज मत मैं बैक राइट आओ मैं यहां पर भी अरे धक्का मत दे यहां पे लेफ्ट साइड में यहां पर क्या बोल रहा है सर यहां पे सिंधी भाई जो जरा हमें सिंधी भाई यहां नहीं जोयो तुम्हें सिंधी भाई यहां लुक हियर सर लुक हियर सिंधी भाई हो गया।